अस्सलाम वालेकुम, स्वास्थ्य टेक ऑनलाइन उर्दू फ्री ट्यूटोरियल के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। तो अपने टॉपिक की प्रिस्टिक मीडिया हम इस ट्यूटोरियल में इसको डिस्कस करेंगे। कोरल के एप्लीकेशन को बोलते हैं आर्टिस्टिक मीडिया, सिक्स नंबर पे है, ठीक है। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये टूल एक्टिव हो जाता है। आर्टिस्टिक मीडिया बेसिकली ये ब्रश और आपके मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राइंग्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो किस्म इसमें ब्रश बनते हैं, तो इजीली आप इसमें ड्राइंग को मॉडिफाइड करते हैं, उसको मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स को इजीली आप इसमें बना सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी में प्री सेट ड्राकर बाई यूजिंग प्री सेट वैक्टर शेप, और वैक्टर शेप 100 तक ले जा सकते हैं। तो ऑलरेडी 100 है और इसका स्ट्रोक विथ जो है इसकी 0.5 इंच, इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं 2 इंच कर देता हूँ, ठीक है। तो अब फ़र्ज़ करें अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो ये इस तरह की शेप बन जाती है। आप अगर ड्रैग करें एक साइड से दूसरी, फ़र्ज़ करें इतना मैंने ड्रैग किया, ठीक है, तो इस तरह की शेप बन जाएगी। आप इसमें किस्म शेप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से प्रीसेट स्ट्रोक से। आप फर्ज करें बहुत सारे इसमें डिज़ाइन है, मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप फर्ज करें मैं इस तरह खींचता हूँ इसको, तो इस तरह का शेप बन जाता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट इसमें है ब्रश, इससे आप ब्रश भी बना सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें इस तरह मैंने ड्रैग किया, तो ये ब्रश के मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन है आपके पास, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, जो भी आप ब्रश चाहिए आपको। तो ड्रॉ करें और इसको मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राइंग्स में आप बना सकते हैं, इसको आप मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसका इस तरह के शेप बना लें, इस तरह ड्रा करें, उस तरह की शेप्स बन जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट पे है स्प्रेयर। स्प्रेयर भी आपके पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, इसको क्लिक करें, ठीक है। तो स्प्रेयर आप ड्रैग करें तो इस तरह के आप शेप बन जाएगी, जिस जो भी आप सेलेक्ट करेंगे ब्रश स्ट्रोक्स में से, तो वही शेप आपको मिल जाएगी। और इस करें फ्री पॉइंट इस तरह करें आप, तो ये इस तरह की भी बना सकते हैं, इसको कलर्स वगैरह दे सकते हैं। आप इस तरह ड्राइंग में बना सकते हैं, फर्ज करें ग्रास बनाए। इस तरह के शेप भी बना सकते हैं, उसको मुख्तलिफ किस्म के कलर्स वगैरह दे सकते हैं। अच्छा, कैलीग्राफिक, इसमें भी आप बहुत सारी आपके पास वैरायटीज़ हैं, इसको आप एंगल भी दे सकते हैं, साइज़ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब फर्ज करें मैं इसको इस तरह का खींचना चाहता हूँ, इस तरह का खींचना चाहता हूँ, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, 0.5 में करता हूँ तो इस तरह छोटा होगा, ठीक है। अब इसकी फ्री हैंड स्ट्रोक भी आप इसको दे सकते हैं, जितना देना चाहते हैं दे सकते हैं। और एक्सप्रेशन में भी आप काम कर सकते हैं, इस तरह के सकते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के ड्राइंग्स में ये यूज़ होता है। आप इस तरह आर्टिस्टिक मीडिया को अपने यूज़ में ला सकते हैं, बड़ा इजी है। आप इस पर प्रैक्टिस करें तो इससे आपकी स्किल और भी बढ़ जाएगी। ड्राइंग्स में ज़्यादातर ये टूल यूज़ होता है। तो उम्मीद है व्यूअर आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे।